नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और मोटोरोला ने हाल ही में काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च करे हैं। चाहे आप मोटो रेजर की बात कर ले जो कि एक इनोवेटिव फोल्डेबल स्मार्टफोन है, या फिर आप बात कर ले मोटोरोला के मोटो एच प्लस की जो एक टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन है। पर मेरी माने तो फिर मोटोरोला की सबसे पसंदीदार एंड्रॉइड सीरीज थी उनकी अफोर्डेबल जी सीरीज, और उसमें भी काफी टाइम बाद कंपनी ले आई है ये स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, ये है मोटोरोला का G8 पावर लाइट और इस वीडियो में हम करेंगे इसके क्विक अनबॉक्सिंग, बताऊंगा अपने फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में और एंड में इसकी प्राइसिंग पे हम करेंगे चर्चा। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इस फोन को दो डिफरेंट कलर में पिक कर सकते हैं, और जो यूनिट मुझे मिला है वो आर्कटिक ब्लू कलर है। अब मुझे ये फिनिश काफी पसंद आई, बट अगर आपको थोड़ा डार्कर शेड चाहिए तो आई रिकमेंड आप रॉयल ब्लू कलर पिक करें। अब इस फोन के डिजाइन की जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि इस फोन के साथ आपको एक मैट फिनिश मिल जाती है जिसमें फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं दिखते, जैसे आपको किसी ग्लॉस बैक फोन्स के साथ दिखते होंगे। और तो और इसकी जो बैक है, हालांकि उसमें कोई टेक्सचर्ड फिनिश नहीं है, बट ये फोन फिर भी काफी कंफर्टेबल ग्रिप प्रोवाइड करता है क्योंकि इसकी बैक कर्व्ड है और इस फोन में कोई शार्प कॉर्नर्स भी नहीं है। बेस्ट बात तो यह है कि G8 पावर लाइट की बॉडी कुछ हद तक वाटरप्रूफ भी है, बट हल्की बारिश में या छोटे मोटे वाटर के स्प्लैशेस से ये फोन डैमेज नहीं होगा। अगर एर्गोनॉमिक्स की हम बात कर ले तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मोटोरोला का G8 पावर लाइट बिल्कुल भी वन हैंडेड यूजेज के लिए नहीं बना है। ये काफी बड़ा स्मार्टफोन है, इनफैक्ट ये वन प्लस के 70 प्रो जितना बड़ा फोन है, और मैं आपको याद दिला दूं कि 70 प्रो का डिस्प्ले इससे काफी बड़ा था। तो हाँ, वन हैंडेड यूजेज के लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं बना है, आप ट्राई भी मत करना, ये फोन सीधे नीचे गिरेगा। थैंकफुली फोन की पॉलीकार्बोनेट बॉडी की वजह से इसका वजन इतना नहीं है और इसका वेट पूरे फ्रेम में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, तो आपको G8 पावर लाइट कभी भी टॉप हेवी नहीं लगेगा। फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस फोन को दो हाथ से ही ऑपरेट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने इस फोन को गिरा दिया तो ऑल्दो ये पॉलीकार्बोनेट शेल का बना हुआ है, बट फिर भी इसका जो पेंट है वो बहुत जल्दी चिप कर जाएगा। और अगर हम डिजाइन की बात करें तो मोटोरोला के G8 पावर लाइट में अटेंशन टू डिटेल्स मुझे काफी पसंद आई, और मोटोरोला ने काफी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इस फोन को डिजाइन करा है, जो कि काफी अच्छी बात है। जैसे ये टेक्सचर्ड पावर बटन हो गया, या इसकी बैक पे कंपनी का आइकॉनिक मोटोरोला डिम्पल हो गया जिसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। सेंसर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और ये काफी एक्यूरेट भी है, तो मुझे इससे अभी कोई शिकायत नहीं है। बट जैसे आपको बाकी फोन के साथ फेस अनलॉक भी मिल जाता है, मोटो G8 पावर लाइट के साथ आपको इस फीचर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपने फोन को अनलॉक करना है तो आपको हर बार या तो इसे अपनी डेस्क से उठाना पड़ेगा ताकि आप इसका जो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको यूज कर सकें, या फिर आपको पिन बेस्ड स्क्रीन लॉक को यूज करना पड़ेगा। और बाकी के पोर्ट्स और बटन्स की अगर मैं बात करूं तो इस फोन के साथ आपको मिल जाएगा एक माइक्रो USB पोर्ट, जो अगेन 2020 के हिसाब से काफी पुराना हो चुका है। कॉम्पिटिशन USB टाइप सी की तरफ बढ़ चुका है, तो मोटोरोला को भी एक कदम उस डायरेक्शन में बढ़ा लेना चाहिए था। आपको इस फोन के साथ एक हेडफोन जैक भी मिल जाएगा, और मोटोरोला ने ईयरपीस के बाजू में एक नोटिफिकेशन LED भी दी है, जो काफी अच्छी बात है क्योंकि काफी अफोर्डेबल फोन्स हैं आजकल जिनमें ये फीचर ओमिट कर दिया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फोन के साथ आपको एक ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, तो आप इस फोन में दो सिम कार्ड्स और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं। बट डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इस फोन के साथ आपको मिल जाएगा एक 6.5 इंच का मैक्स विजन HD+ डिस्प्ले। अभी एक IPS LCD डिस्प्ले है, और ऑन द होल मुझे ये डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद आया। इस डिस्प्ले के साथ आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी, और डिस्प्ले की क्वालिटी से मुझे कोई निराशा नहीं है। स्क्रीन के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे थे, कोई कलर शिफ्ट इश्यूज नहीं थे, और डिस्प्ले को वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन भी मिल रखी है। हालांकि ये फोन अभी नेटफ्लिक्स से HD में स्ट्रीम नहीं कर सकता, बट एक OTA अपडेट के थ्रू वो इश्यू भी इजिली फिक्स हो सकता है।
और अगर सॉफ्टवेयर की हम बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि मोटोरोला का G8 पावर लाइट उन गिने चुने फोन्स में आता है जो अभी भी एक क्लीन एक वनीला सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देते हैं। और ये मेरे हिसाब से बजट फोन्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज आपको एक बजट फोन के साथ मिलते हैं, लिमिटेड रैम मिलती है, लिमिटेड स्टोरेज मिलती है, आप वो तो चाहेंगे नहीं कि वो अनवॉरंटेड या अनवॉन्टेड एप्स की तरफ जाए। तो ये मेरे हिसाब से मोटोरोला का एक काफी स्मार्ट मूव था। इस फोन के सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक भी ब्लोटवेयर बेस्ड ऐप नहीं मिलेगी जैसे बाकी बजट फोन्स के साथ मिलती हैं, और इस फोन में कोई अननेसेसरी पुश एड्स भी आपको नहीं मिलेंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि मोटोरोला ने इस फोन के साथ अपने फेमस मोटो एक्शंस भी दिए हैं, तो आप इस फोन के सारे फीचर्स को क्विक जेस्टर्स के साथ ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे कराटे चॉप मोशन से आपने फ्लैश लाइट ऑन कर दी। अब सॉफ्टवेयर की जो एक बात मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि इसमें आपको अभी भी एंड्रॉइड पाई मिलता है, और एंड्रॉइड के कुछ जो स्टेबल फीचर्स होते हैं जैसे डार्क मोड हो गया या नेविगेशन जेस्टर्स हो गए, वो भी आपको इसके साथ नहीं मिलते हैं। तो मोटोरोला इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज एड्रेस दिस एंड ब्रिंग एंड्रॉइड 10 टू द G8 पावर लाइट ASAP। अब अगर परफॉर्मेंस की बात कर ले तो इस फोन के साथ आपको मिल जाएगा एक MediaTek का Helio P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर काम करता है 4GB की रैम और 64GB की बिल्ट इन बट यूजर एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ। इस फोन का USP मगर इसकी बैटरी है, और Moto G8 पावर लाइट के साथ आपको मिल जाएगी एक 5000 mAh की बैटरी जो आराम से आपको 2 दिन का बैकअप दे देगी। अब इसकी बैटरी की बस एक बात मुझे ये पसंद नहीं आई कि इसके साथ आपको केवल 10 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है जो कम से कम 2 घंटे तो लेगा ही इस फोन को पूरा चार्ज करने में। अब मैं फोन की परफॉर्मेंस का वर्डिक्ट अभी तो नहीं दे सकता, बट मैं आपको बता दूं कि जितना मैंने इस फोन को अभी तक यूज किया है उतने में मैं कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ उसकी परफॉर्मेंस से। वैसे फोन नॉर्मल यूजेज में इतना लैग नहीं करता, और जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन हो चाहे मल्टीटास्किंग सब कुछ काफी स्मूथली हैंडल कर लेता है G8 पावर लाइट। इनफैक्ट कैजुअल गेमिंग के लिए भी ये फोन परफेक्ट है, और क्लैश रॉयल हो गया या क्रॉसी रोड जैसे गेम्स में मुझे अभी तक कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर आप एक पावर यूजर हैं तो शायद आपको इस फोन की परफॉर्मेंस इतनी पसंद ना आए, स्पेशली अगर आप काफी सारी हैवी एप्स को एक साथ यूज करते हैं जैसे स्नैपचैट हो गया या इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन को अगर आप एक साथ यूज करते हैं तो आपको थोड़े बहुत लैग इसके UI में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इंटेंसिव गेमिंग करते हैं जैसा आपने PUBG खेल लिया, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको तब भी शायद उतनी पसंद ना आए। अब इसकी परफॉर्मेंस की पूरी बात मैं अपने फुल रिव्यू में करूंगा, बट फॉर नाउ ये रहे इस फोन पे PUBG की एक क्विक गेम प्ले क्लिप। कैमरा वाइज मोटो G8 लाइट के साथ आपको एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें एक 16 MP का मेन कैमरा दिया गया है, एक 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया है और एक 2 MP का मैक्रो सेंसर दिया है। सेल्फीज के लिए इस फोन में आपको एक 8 MP का कैमरा दिया गया है, और पिक्चर क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो फुल रिव्यू में मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसके सारे के सारी कैमरा कैपेबिलिटीज को, बट फिलहाल मैं इसके 16 MP मेन कैमरा से जो मैंने फोटोज ली थी मैं उनसे काफी खुश हूं। HDR प्रीसेट ऑन करके काफी खिले हुए कलर्स आते हैं और फोन की डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी लगी और आप किस फोन का इसके साथ कैमरा कंपैरिजन देखना चाहेंगे। अब प्राइसिंग की अगर हम बात कर ले तो मोटो G8 पावर लाइट इंडिया में ₹8,999 या ₹8,999 का लॉन्च हुआ है, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी कंपेलिंग स्मार्टफोन है। बट मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन भी कुछ कम नहीं है, और आपको इसी प्राइस में इनफैक्ट इससे सस्ते प्राइस पे मिल जाएगा रियलमी का नार्जो 10A जो कि एक बेटर CPU ऑफर करता है, एंड्रॉइड 10 देता है आउट ऑफ द बॉक्स, और आपको फेशियल रिकग्निशन सपोर्ट भी देता है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग फोन है और इसके फुल रिव्यू को मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, बट इन द टाइम प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस फोन के बारे में क्या जानना चाहते हैं, इसको मैं किस और फोन से कंपेयर करूं, किस टाइप के वीडियोस इस फोन के अराउंड आप देखना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।